किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए कानून को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट मार्ग के साथ ही मेन गेट पर सपाइयों के नारेबाजी से पुलिस हलकान रही। केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए लाए गए कानून को किसान विरोधी बताया गया। पुलिस की तगड़ी सुरक्षा के चलते समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकला जुलूस चंद कदम के बाद ही रोक दिया गया। इसके बावजूद करीब आधा दर्जन कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर जा पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। हम लोग किसानों के रक्षा के लिए किसान के काले कानून को जो लागू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको वापस लेने के लिए हम लोगों ने आज जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन और प्रशासन के इतना रोक के बावजूद भी हमारे हर कार्यकर्ता और नेताओं के घर पुलिस बैठा दिया था। हमारे घर पे कल से पुलिस बैठी थी। इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता पुलिस का बिना परवाह किए और सारे पूरे जिले भर के कार्यकर्ता सब आए और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाए। इस सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार छात्र विरोधी है, नौजवान के विरोधी है, व्यापारी को विरोधी है, वकीलों के विरोधी है। ये सरकार किसी भी कीमत पर रहने लायक नहीं है। किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट को पत्रक सौंप कर न्याय की गुहार लगाई। NBCN न्यूज के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।